हेलो क्लास एट, आज हम आपका 2.2 का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट उसमें पहले लास्ट वीडियो में हमें 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप एक दो बार समझेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्या है। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5। ठीक है, मेरे पास टोटल कितने कॉइन है, ध्यान से सुनना है। मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मिला के कितने, टोटल 300। मतलब मेरे पास 1 के सिक्के हैं, 5 के हैं और 1 रुपए के हैं। अगर मैं उनके पैसे मिलाऊंगी, टोटल मिलाऊंगी, तो वो 300 रुपए हैं मेरे पास। द नंबर ऑफ ₹2 इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5। लेकिन जो उनमें 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के से 3 गुना है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन, अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन गिनूँ, जैसे किसी पे 5 लिखा होगा, किसी पे 2, किसी पे 1, तो अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन गिनूँ सिर्फ कि 1 कॉइन 2 कॉइन 3 4, तो वो टोटल 160 कॉइन है। ठीक है, दो चीज़ें हमें पता चली है, एक तो कॉइन्स कितने हैं 160 हैं। ठीक है, टोटल रुपीज कितने हैं, टोटल रुपीज कितने हैं बताइए, टोटल रुपीज है हमारे पास ₹300। ठीक है, और एक और बात क्या पता चली है कि कॉइन्स ऑफ 2, ठीक है, ₹2, कॉइन्स ऑफ ₹2 इज 3 टाइम्स देन ₹5। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है। क्या क्या पता चला है हमें, हमें पता चला है टोटल कॉइन है 160, टोटल रुपीज है 300। ठीक है, और जो ₹2 के कॉइन है वो 3 गुना है 5 रुपए से। ठीक है, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। आप देखो कि हमें इन्होंने ये तो बता दिया और हमारे पास कॉइन कितने कितने रुपीज के हैं। 1 रुपीज 1 का कॉइन है, 1 रुपीज 2 का कॉइन है और 1 रुपीज 5 का कॉइन है। ये कॉइन है तो ये तो हमें पता लग गया, ये इसके 3 गुना है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ₹1 के कॉइन कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एक्स। हमें नहीं पता कितने हैं, हाँ, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। ठीक है, ₹5 के जो कॉइन्स हैं उन्हें हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको जो 5 रुपए के कॉइन है हम उन्हें एक्स ले लेते हैं, हमें नहीं पता। अब हमें क्या पता है, जितने भी ₹5 के कॉइन है, ₹2 के उसके 3 गुना है। So the number of rupees 2 coins, b कितने हो गए 3x, ये जितने भी है ये उसका 3 गुना है, है ना, पढ़ा था ना हमने। अब देखिए हम ₹1 के कॉइन कैसे निकालेंगे। So ₹1 coin, अब आप बताइए कैसे निकालेंगे। हमें ये पता है कि ये दोनों कॉइन कितने हैं और हमें ये भी पता है टोटल कॉइन कितने हैं। अगर टोटल कॉइन में से हम इन दोनों के कॉइन माइनस कर देंगे तो उसके आ जाएंगे, तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे, 160 में से किसे माइनस करेंगे बताइए, इन दोनों को, है ना। तो ये दोनों क्या है, x प्लस 3x, है ना। हमें पता है ₹5 के कितने कॉइन है, ₹2 के कितने कॉइन है और हमें टोटल पता है, तो इन दोनों के ऐड करके 160 में से माइनस करेंगे तो हमारे ₹1 के कौन आए कॉइन आ जाएंगे। इस लाइन को ढंग से लिखेंगे, सो नंबर ऑफ रुपीज वन कॉइन, अच्छे से लिखेंगे सभी लाइन को। ठीक है, इतने आ गए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है इन तीनों के जब भी आप पैसे मिलाएंगे तो वो कितने बनेंगे, 300 रुपए बनेंगे। तो अब हम ध्यान से करेंगे, 5 रुपीज के कॉइन है, कितने हैं हमारे पास x, हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम 5 के मल्टीप्लाई करेंगे x से। ठीक है, अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू, ठीक है, 5 रुपीज के जो पैसे बनेंगे। मैंने कहा मेरे पास, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखिए ध्यान से देखेंगे आप एग्जांपल। ये मेरे पास कॉइन है, 5 का सिक्का है, ये 5 का सिक्का है, ये 5 का सिक्का है, तो ये बताइए कॉइन कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन आप बोलेंगे मैम ये तो 3 हो गए, नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए 3। लेकिन मैं बोलूंगी बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे मैम 5 प्लस 5 प्लस 15। तो आपने क्या किया है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई तो किया है,
यानी एक पे जो वैल्यू लिखी थी हम उसे नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसकी क्या जाती है वैल्यू, कि हमारे पास 15 रुपये हैं। तो हमने सेम यही इस क्वेश्चन में भी किया है, हमारे पास जितने भी कॉइन थे हमने उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता लग गया कि 5 की वैल्यू की कितनी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x किसके कॉइन है, रुपीज़ 2 के, तो रुपीज़ 2 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3x से, ठीक है। और रुपीज़ 1 के इतने कॉइन है तो 1 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही आता है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन, आपको नहीं समझ में आएगा आपको दोबारा पूछना है, ठीक है। और इन सब की वैल्यू कितनी है बेटा, 300, हमें क्वेश्चन में पता लग गए थे। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5x आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो गया, ठीक है, प्लस 160, ठीक है, ये कितना हो गया बताइए, अंदर x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना, इक्वल टू क्या है, 300। अब x x को इकट्ठा कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 11x, ये माइनस 4x इक्वल टू, ये 160 उधर जाएगा, इधर प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। 11 में से 4 गए, 7x, और यहाँ क्या हो गया, 140। x को हमने यहीं पे छोड़ दिया, 7 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, ये कितना आ गया, 20। अब हम देखेंगे x क्या था हमारा, 5, तो यानी रुपीज 5 के हमारे कितने कॉइन हो गए, रुपीज 5 कॉइन्स कितने हो गए, 20। रुपीज 3 के कॉइन कितने हो गए बताइए, सॉरी रुपीज 2 के कॉइन, रुपीज 2 के कॉइन कितने थे, 3x, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 20 कितने हो गए, 60 कॉइन्स, ठीक है। और रुपीज 1 के कॉइन कितने थे बताइए, इन दोनों को ऐड करके 160 में से माइनस, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 80, 160 में से 80 गए, कितना आ गया, 80 कॉइन्स आ गया हमारा आंसर, रुपीज 5 के 20। आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता या तो आप स्कूल आ जाइए या आप वीडियो कॉल पे या ग्रुप में आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कॉपी करना ही मैथ्स कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। 2-3 बार देखिए, नहीं समझ में आता आपको दोबारा समझाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशियो, यानी इस रेशियो में है, द नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्ट्रेंथ बतानी हमें, ठीक है। जो नंबर ऑफ बॉयज है वो कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, तो बताइए कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो एक्सप्लेन आपको मैं कर ही चुकी हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें ये दिया है रेशियो बॉयज और गर्ल्स का इतना है, ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट टोटल स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता कितने हैं, बी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स ले लेते हैं, तो अगर एक्स लेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आएंगे बताइए, नंबर ऑफ बॉयज हमें रेशियो दिया है 7, ठीक है, 7 किसका है, 7x अपॉन 12, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कैसे, ठीक है, कि ये कैसे आया, ठीक है, ये क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है। देखिए मैं मान लेती हूँ एक क्लास में कितने बच्चे हैं, मैंने मान लिया बॉयज़ कितने हैं 16 और गर्ल्स कितनी है 12। अब मैं इनका रेशियो निकाल के दिखाती हूँ आपको, ठीक है, इसका मैं रेशियो निकालूंगी, आएगा 8, 6, 4, 3, तो यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इतना हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला बच्चे कि ये जो है, ठीक है, जो ये वाली क्लास है, अब इसमें बताइए टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी, मेरे पास रेशियो भी है और मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ भी है, ठीक है, कैसे निकालूंगी बताइए। ये देखिए कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 16 प्लस 12 कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगी, 4/7 लिखूंगी, कितना लिखूंगी, सॉरी ये आपका एक गलत एग्जांपल ले लिया तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, ये आपका थोड़ा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका डिवाइड नहीं हो पा रहा है,
ठीक है, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ कैसा है। क्या होता है, जब भी कोई चीज़ रेशियो में होती है, ठीक है, जब भी आएगा यही हमारा, जब भी कोई चीज़ रेशियो में होती है, ठीक है, रेशियो हमारा क्या है, आप ध्यान से देखिए, रेशियो था हमारा 7:5, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ बताइए किस किस में से निकले हैं, ये टोटल रेशियो क्या हो गया, 12। मैंने नीचे क्या लिखा है, ये 12 कहाँ से आया, ये टोटल रेशियो है, 7+5 को ऐड किया, लेकिन जो ये रेशियो है, ये रेशियो किसका है, ये तो टोटल स्ट्रेंथ का रेशियो है ना, टोटल नंबर ऑफ बच्चे जितने हैं क्लास में, ये तो उसका रेशियो है ना, टोटल नंबर ऑफ बच्चे जितने हैं उसका रेशियो है। तो नंबर ऑफ बॉयज ऐसे आएंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, 7x को 7x/12। ऐसे ही नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकलेंगी, 5/12, यहाँ भी हम टोटल लिखेंगे, इंटू एक्स, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 5x/12। अब आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे बॉयज है, ये हमारी गर्ल्स है। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है कि जो हमारे बॉयज है वो 8 ज्यादा है लड़कियों से, ठीक है। तो अगर मैं बॉयज में से गर्ल्स माइनस करूंगी, है ना, ये हमारे बॉयज है और ये हमारी गर्ल्स है, अगर इसमें से मैं ए माइनस करूंगी तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ से आपको सॉल्व करना है, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम माइनस कर सकते हैं, 7 में से 5 गया, 2x/12 आ गया। अब ये यहाँ 12 इससे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई, अभी इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ के क्या होगा बताइए, वहाँ के होगा डिवाइड, तो इसे सीधा काट देते हैं, 6 कितना हो गया, सॉरी यहाँ तो एक्स रह जाएगा, 8 कितना हो गया, 48, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आई है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेते हैं, या इसने हमें टोटल स्ट्रेंथ ही पूछी है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी नहीं है। और हमारा x क्या लिया था हमने, ऊपर जाके चेक करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स ही तो लिए थे, तो यानी हमारा आंसर आ गया, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए, 48 आ गए, ठीक है। इस वीडियो के आप दोबारा देखिए, ठीक है, वो एग्जाम्पल सही था लेकिन क्या है, वो कट नहीं रहा था, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं समझ में आएगा, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको वीडियो कॉल करूँगी, या आप स्कूल में आ जाइएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो अगले हम करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12 देखिए, ठीक है, इसे बोला 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेके गए, लिए गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो उसे हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो उनको ऐड कर रहे हैं तो 74 आ रहा है, तो बताइए वो नंबर क्या है। जब भी हम कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, नंबर्स बी एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। अब इसने क्या कहा है हमें, उनको इससे मल्टीप्लाई किया है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x को हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, 2 से, x प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, 3 से, और x प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, 4 से। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, और अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 74। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, मैं एक स्टेप और कर देती हूँ फिर आप खुद करेंगे। 2x हो गया, ये कितना हो गया, 3x प्लस 3, ये कितना हो गया, 4x प्लस 8 और इक्वल टू 74। अब आप x x x इकट्ठे कर लेंगे और नंबर नंबर को पहले ऐड करेंगे, फिर उधर जाके माइनस करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो आपकी x की वैल्यू होगी वो आपका एक नंबर होगा, जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा, जब उसमें 2 ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो इसी के साथ आपकी 2.2 खत्म होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो करेंगे।